फ्रेंड्स, मेरा नाम अजय एंड आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। सो दोस्तों, आज के इस वीडियो में बात करने वाले एक बड़े यूट्यूबर मनोज दे एंड टेक्निकल योगी के बारे में, जिनके अगर आप सब्सक्राइबर्स की बात करो तो एक मिनिमम दोनों के बराबर ही है। एंड दोस्तों, अभी अगर आप बात करोगे तो मनोज दे के बारे में, जिनके काफ़ी सारे रोस्ट वीडियो एंड फेक वीडियोज़ बनाए जा रहे हैं, जैसे कि और उनको वो भी इतने मुकाम पर हैं एंड बोल सकते हो कि आप धनबाद के हुए सबसे बड़े यूट्यूबर्स हैं, टॉप वन पर आते हैं। तो दोस्तों, इनके बारे में ही आज बात करने वाले हैं। चलिए आज का वीडियो हम शुरू कर लेते हैं। एंड अगर देखो, वीडियो अगर लाइक पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करना, साथ ही सजेशन मैं जो भी बताऊंगा एंड सजेशन अपना भी खुद का देना कमेंट बॉक्स में। एंड देखिए, एक वीडियो को लाइक जरूर। बात करने वाले हैं मनोज दे के बारे में। तो जी, आप भी अगर मनोज दे के सब्सक्राइब कर रखे हो, ठीक, तो आप लोगों के पास भी कुछ इस तरह का मैसेज आया होगा रिकमेंडेड करके, और इसमें दिखाया गया मनोज दे रोस्ट, मनोज दे का फेक, मनोज दे का असली चेहरा, इस टाइप करके काफ़ी सारे रोस्ट वीडियोस बन रहे हैं एंड फेक वीडियोस बन रहे हैं, जिसमें अगर आप उसको क्लिक करोगे तो आप लोगों को देखने को मिलेगा कि वहाँ पर मनोज दे के बारे में काफ़ी भला बुरा कहा जा रहा है। एंड वहाँ पर भी आप लोगों को ये भी देखने को मिलेगा कि उनको काफ़ी सारा गालियाँ दी जा रही है। तो मनोज दे ने काफ़ी पहले ही बताया था, ठीक है, ध्यान से मेरी बात को समझिएगा। मनोज दे ने काफ़ी पहले भी एक वीडियो बना रखा था, अगर आपने नहीं देखा तो उनके चैनल पर जाइएगा और देख लीजिएगा, ठीक है। तो काफ़ी दिनों पहले ये वीडियो बनाया था कि मनोज दे ने बोला भी था उस वीडियो में कि जो ये सब लोग कर रहे हैं उससे मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, वो ये सोचते हैं कि इनसे उनके चैनल में व्यूज़ आएंगे और सब्सक्राइबर्स ज़्यादा से ज़्यादा ग्रो हो जाए, सब्सक्राइबर्स आएंगे और उनका चैनल जो है ग्रो हो जाएगा। तो ये बात उन्होंने बोला, एंड उन्होंने ये भी बोला था कि फ़र्क मुझे नहीं कुछ पड़ता है। एंड उन्होंने बोला कि ये सब करने से कोई फ़ायदा नहीं है, जो भी सब्सक्राइबर्स उनके गेन होंगे, सब्सक्राइबर सारे डिएक्टिव होंगे, क्योंकि उनको वही सारे वीडियोस पसंद आएंगे, वही सारे वीडियोस वो मांग करेंगे कि मनोज दे के बारे में सिर्फ बुरा ही वीडियो। 3 साल की मेहनत से इतना ऊंचा तक गया है एंड उनके बारे में लोग इतना कुछ भरा बोला करके वीडियो बनाते हैं, तो इनमें से उनको तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, फिर भी वो ऐसे वीडियोस बनाते हैं तो काफ़ी लोगों तक वो पहुंचता है। एंड कहीं ना कहीं इन लोगों के व्यू मनोज दे के बारे में कोई ना कोई जरूर बुरा सोच लेते होंगे, थोड़े देर के लिए पर सोच लेते होंगे, लेकिन ये सब करके उन लोगों को कुछ फ़ायदा होने नहीं वाला है, क्यों, सिर्फ उनके वीडियोज़ पर व्यूज़ ही आएंगे। तो यार देखो, अपना सजेशन कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करना। एंड मैं इससे ज़्यादा क्या बोलूँ, ठीक है। एंड इस तरह के वीडियोस अगर आपको मिलते हैं तो मत क्लिक कीजिएगा, मत देखिएगा उस वीडियोस को। सो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आज की जो वीडियो रहा होगा, उम्मीद करता हूँ बढ़िया रहा होगा। एंड लाइक जरूर कीजिएगा, तभी मुझे मोटिवेशनल मिलेगी एंड मैं इसी तरह के वीडियोस और भी लाऊंगा एंड इससे अच्छे वीडियोस लाऊंगा। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आज का वीडियो इंपॉर्टेंट रहा होगा, वीडियो को एक लाइक कीजिएगा, साथ ही अपना सजेशन कमेंट कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।